नमस्कार दोस्तों, जो महत्व नक्सवोमिका का मेल्स के लिए है, वही महत्व पल्सेटिलिया का फीमेल्स के लिए। तो आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन पल्सेटिला के बारे में जानकारी दूंगा। बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा, किस बुक से, होम्यो दवाओं के बोलते चित्र। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं पल्सेटिला को। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पल्सेटिला बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, मेल्स के लिए भी, फीमेल्स के लिए भी, लेकिन फीमेल्स के लिए तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। फीमेल की जो प्रॉब्लम्स होती है, मेंसेस की जो प्रॉब्लम है, या डिलीवरी के समय पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, या उनकी जो मानसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, सभी में पल्सेटिला बहुत अच्छा, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। तो चलिए पढ़ते हैं पल्सेटिला को। दोस्तों, इस बुक में शुरुआती जो पैराग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे मैं लास्ट में पढ़ूंगा और 20 से पढ़ना चालू करता हूँ। पल्सेटिला का रोगी ठंडी खुली हुई हवा पसंद करता है। रोगी ठंडी चीज़ें खाने और ठंडा पानी पीने, मतलब कोई भी ठंडी चीज़ें पीने में उसे आराम महसूस होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो पल्सेटिला का रोगी है वो ठंडा पानी पीने या आइसक्रीम खाने से उसका गला बैठ जाता है और प्रॉब्लम भी उसी से होती है, और वो ठंडा पानी और ठंडी चीज़ें खाता रहता है जिसके कारण उसे अस्थमा सर्दी की प्रॉब्लम बनी रहती है। तो उसे आराम भी लगता है और उसका कॉज भी वही है, मतलब प्रॉब्लम की जड़ भी वही है। और आगे पढ़ते हैं, गर्म कमरे में या गर्म सेक से रोगी की तकलीफें बढ़ जाती हैं, विशेषकर सायंकाल मतलब शाम के समय में रोग लक्षणों में पल्सेटिला में वृद्धि होती है। सायंकाल शाम के समय में पल्सेटिला के लक्षण बढ़ जाते हैं। एक और मेडिसिन है जिसके सायंकाल मतलब शाम के समय में 4 से लेकर 6-7 बजे तक लक्षण बढ़ जाते हैं, उस मेडिसिन का नाम आप मैसेज सेक्शन में ज़रूर मैसेज करिएगा। आगे पढ़ते हैं, घी मलाई या घी से बनी हुई मिठाई, मतलब खोए से बनी हुई मिठाई, मलाई से बनी हुई मिठाइयाँ खाने के कारण बदहजमी, पेट खराब अगर हो जाता है तो यह दवा बहुत ही लाभकारी है। पल्सेटिला दूध अगर आप खाते हैं या दूध से बना हुआ कोई भी चीज़ खाते हैं, जैसे कि आइसक्रीम खा लिया आपने, या खोवा से बना हुआ मिठाई खा लिया, या पनीर खा लिया, तो कोई भी चीज़ दूध से बना हुआ आप खाते हैं, यहाँ तक कि दही भी आप खाते हैं, और उससे अगर आपको बदहजमी हो जाती है, बच्चे को, माँ को, पिताजी को, या किसी को भी बदहजमी हो जाती है, पल्सेटिला ज़रूर दीजिए। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। मोस्टली इसमें पल्सेटिला आप लोअर पोटेंसी में, जैसे कि पल्सेटिला 6 में या 30 में दे सकते हैं। आप 2 बूंद दिन में 2-3 बार देंगे तो बदहजमी ठीक हो जाएगी। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आगे चलते हैं, डॉक्टर ई बी नैश ने इस दवा को स्त्रियों की दवा कहा है। उनके शब्दों में पल्सेटिला की प्रकृति प्रायः नक्सवोमिका के विपरीत होती है। पल्सेटिला का नाम स्त्री की औषधि है, मतलब ये फीमेल, जैसा मैंने आपको पहले बताया, जितना अच्छा नक्सवोमिका जो है मेल्स की मेडिसिन है, उतनी अच्छी ही पल्सेटिला जो है वो फीमेल की मेडिसिन। आगे पढ़ते हैं, आगे लेखक लिखते हैं, परंतु मैं भी इन्हीं के, मतलब डॉक्टर ई बी नैश के बताए लक्षण पर उन्होंने परीक्षण करके देखा, उन लक्षणों को देखकर पेशेंट को दवा दी और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। परीक्षण करके देखा है कि जिन औरतों को बात बात में रोना आता है, मतलब कई सारी फीमेल्स जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, आपने देखा भी होगा आपके घर में आसपास ऐसी फीमेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी जो हर बात पर रो रही, थोड़ी सी बात पर उनको इमोशन आ जाते हैं और उनके आँख में आंसू आ जाते हैं। अगर आपकी क्लिनिक है तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई फीमेल आती है और परेशान हो जाती है, परेशान रहती हैं और सिम्टम्स बताते बताते ही वो रो पड़ती हैं, मतलब अपनी तकलीफ बताते बताते ही वो रो पड़ती हैं। ऐसी फीमेल्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है पल्सेटिला। और अगर आप उनको बोलेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, तो वो और रोना चालू कर देंगी। अगर ये लक्षण आपको दिखते हैं तो पल्सेटिला बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, मतलब उनको अगर आप समझाएंगे तो वो और रोएंगी। आगे पढ़ते हैं, अपने रोग लक्षण बताते बताते ही रोने लगती हैं फीमेल क्लिनिक में।
और उन्हें मासिक धर्म संबंधित बीमारियां भी होती हैं। यह दवा बहुत ही लाभकारी है मेंसेस प्रॉब्लम के लिए, चाहे वो डिसमेनोरिया की प्रॉब्लम हो, मेंसेस के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द हो, या आपकी एमनोरिया की प्रॉब्लम हो, मेंसेस ना होते हों, 2-3 महीने में नहीं आ रहे हों, या एबनॉर्मल टाइमिंग हो, 15 दिन में हो, कभी लगभग 2-2 महीने में हो, तो मेंसेस एबनॉर्मेलिटीज़, मेंसेस इरेगुलरिटीज़ के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन। पल्सेटिला को हमेशा हायर पोटेंसी में देना चाहिए, 200 1 ml में दीजिए। मैंने बहुत बार दिया है, बहुत बार रिकमेंड किया है, हज़ारों बार अपने ऑनलाइन पेशेंट्स और क्लिनिक के पेशेंट्स को पल्सेटिला रिकमेंड किया है, बताया है, और इससे इरेगुलरिटी ऑफ मेंसेस बहुत जल्दी ठीक होती है। तो पल्सेटिला अगर आपको इरेगुलर मेंसेस या मेंसेस नहीं आ रहे हैं तो पल्सेटिला आप 200 पोटेंसी में यूज़ करें, 2 बूंद पिए डायरेक्टली टंग में, और इसे आप बुधवार रविवार को कंटिन्यू करें। अगर फिर भी अगर आराम नहीं है तो फिर आप डेली इसे लें, और अगर फिर भी आराम नहीं है तो पल्सेटिला 1 ml लें, 2 बूंद बुधवार रविवार को, आपको आराम लग जाएगा। तो थोड़ी सी हायर पोटेंसी लीजिएगा, रिपीट करिएगा, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है पल्सेटिला। तो पढ़ते हैं कि लेखक लिख क्या रहे हैं, ये तो मेरी बात हो गई, अब लेखक क्या लिखते हैं। तो इस प्रकार की रोगिणी, मतलब जो पेशेंट हैं, उनके मासिक धर्म में रुकावट आए तो इसकी ऊंची जो शक्ति में, मतलब जो मैंने बताया कि पल्सेटिला आप 200 पोटेंसी में या 1 ml पोटेंसी में दें तो बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, दांत का दर्द, ठंडा पानी पीने में मुंह में जो है वो एकदम से ठंडा लगे, सेंसिटिविटी हो, पल्सेटिला बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन। ऐसे में पल्सेटिला आप 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें, 2 बूंद सुबह डायरेक्टली टंग में डालें, दोपहर में पिए और रात में पिए, इसको रिपीट करिएगा, 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, लगभग 1-2 महीने तक लीजिएगा, दांत का दर्द भी ठीक हो जाएगा और सेंसिटिविटी भी ठीक हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं, रोगिणी आत्महत्या करना चाहती हैं लेकिन, अच्छे सुनिएगा, परंतु मरने से डरती है, इसलिए कभी वो आत्महत्या नहीं करेगी, सिर्फ बोलेगी कि मुझे लगता है कि सब कुछ जीवन में ख़त्म हो चुका है, मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए, मर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा वो कभी करती नहीं है। ऐसे पेशेंट्स के लिए पल्सेटिला बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इस दवा का असर स्त्रियों में जरायु में जितना अधिक होता है उतना ही ज़्यादा प्रभाव नसों में होता है। पल्सेटिला दर्द के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, और किसी को कमर में दर्द हो, खासकर फीमेल्स में अगर कमर में दर्द हो और बाकी लक्षण भी मिलें तो पल्सेटिला ज़रूर देना चाहिए। अगर पल्सेटिला आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के तौर पे दे रहे हैं, मानसिक जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं वो दिख रहे हैं, साथ में कमर में दर्द है, मेंसेस इरेगुलरिटी है, तो पल्सेटिला आप 200 पोटेंसी में या 1 ml पोटेंसी में सिर्फ एक बार दीजिए, जैसे आज आपने पिलाया, उसके बाद आप ऑब्जर्व करिए, धीरे धीरे आपके सिम्टम्स जो हैं वो कम होने लगेंगे और धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम, सभी की सभी प्रॉब्लम, जो मानसिक स्थिति है वो भी ठीक हो जाएगी, डिप्रेशन, एंजाइटी और जो सुसाइडल थॉट्स आते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, और धीरे धीरे प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, कमर दर्द भी ठीक हो जाएगा और जो मेंसेस इरेगुलरिटीज़ हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। तो आगे पढ़ते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, ज़रूर सुनिएगा, प्रसव के वक्त, मतलब जब आपके लेबर पेन चालू हो जाते हैं डिलीवरी से पहले, तो लेबर प्रसव के वक्त क्या होता है, दर्द कम हो, पेशेंट को दर्द कम हो तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ऐसे में जब दर्द ना हो और बच्चा ना निकल पाए तो पल्सेटिला की 6 पोटेंसी, मतलब पल्सेटिला 6 CH पोटेंसी में हर 15-15 मिनट के बाद आप देंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और लेबर पेन चालू हो जाएगा और नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो ये मेडिसिन मैंने बहुत दी है इस चीज़ के लिए और रिजल्ट्स भी मिले हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। पल्सेटिला 6 CH पोटेंसी में हर 15-15 मिनट में दीजिए। पल्सेटिला 200 में अगर आपके पास 6 CH में ना मिले तो 200 में होती है, 30 में आराम से मिल जाती है, उसे आप हर आधे आधे घंटे में देंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं, दूध पीने वाले बच्चों को दस्त का रंग जो बार बार बदलता है, जो बच्चे दूध पीते हैं उनके दस्त का रंग खासकर हरा, कभी कभी पीला, कभी कभी दस्त ज़्यादा लगती है,
तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है पल्सेटिला, खासकर अगर आप बाहर का दूध पिला रहे हैं, मदर फीडिंग नहीं हो रही है बच्चे की, बाहर का दूध पी रहा है और बच्चा पीने के बाद उसे मोशंस हो रहे हैं, पल्सेटिला जरूर दीजिए। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और पल्सेटिला आप 6CH पोटेंसी में एक चम्मच साफ पानी में एक बूंद डाल के दिन में 2-3 बार दीजिए, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। जब हमें पल्सेटिला के लक्षण मिले तो हमें यही दवा देनी चाहिए। अगर आपको पल्सेटिला के लक्षण मिलते हैं तो आप सिर्फ पल्सेटिला दीजिए, बहुत ही अच्छी, बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है और बहुत ही सिंपल सिम्टम्स हैं, कीन सिम्टम्स हैं, बस उन सिम्टम्स को आप देखिए, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आएगा आपको, वीपिंग टेंडेंसी समझ में आएगी और आप पल्सेटिला दीजिए। लेकिन आप साथ साथ ये भी देखिए कि यदि रोगी बड़ा है, बुजुर्ग है या यंग है तो वो परहेज ज़रूर करे, आवश्यक करे, नहीं तो पल्सेटिला फ़ायदा नहीं करती। क्या परहेज करना है? दूध नहीं पीना है, मलाई नहीं खाना है, घी नहीं खाना है। अगर आप ये खाते हैं और पल्सेटिला भी यूज़ करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं और खाना बंद कर देना चाहिए, नहीं तो दवा ठीक से काम नहीं करती, काम करती लेकिन उतना अच्छा काम नहीं करती। तो जब भी आप पल्सेटिला दें तो दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल भी अवॉइड करें, पल्सेटिला आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगी। दोस्तों ये थी पल्सेटिला, इस बुक में लिखी हुई बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, हालांकि मैंने बहुत ही कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत की नोट सिम्टम्स आपको बताए हैं। आशा करता हूँ कि ये की सिम्टम्स आपको हमेशा याद रहेगा और अगर आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है या आपके क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है, आप ये मेडिसिन दीजिए, ये जादुई मेडिसिन है, जादुई असर होते हैं इसके, बहुत ही जल्दी असर होते हैं, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही एक्टिव, बहुत ही एक्यूट, बहुत ही क्रॉनिक पल्सेटिला। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा, यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेज पर होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड वीडियोज लाता रहता हूँ तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर के बटन दिया तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन है मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।